सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, जैसा कि आप लोग अमेजोन पे चलाती हो और आप लोग अमेजोन पे जो रेफर एंड अर्निंग का जो ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है और यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे शो हो रहा था पहले आपका जो शो नहीं हो रहा है, अगर आपको भी यही प्रॉब्लम देखने मिलती है, आप लोग का जो रेफर एंड अर्निंग का जो ऑप्शन होता है वो शो नहीं हो रहा है, तो कैसे आप लोग यहाँ पे एक्टिव कर सकते हो, आज की वीडियो में मैं आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आते हो और पे अमेजोन पे पर क्लिक करते हो और यहाँ पर देखने को मिलता है, आप लोग जैसे कि देख सकते हो क्विक एक्शन, जैसे कि एक्शन पे क्लिक करती हो और यहाँ पे शी मोर पे क्लिक करती हो, यहीं पे देखने मिल जाता था आपका यहाँ पे रेफर एंड अर्निंग का जो ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो कैसे यहाँ पे शो कर सकते हैं, आज की वीडियो में मैं आप लोग यही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ करेंगे, प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, इसके बाद सर्च बार में टाइप करना अमेजोन पे, इसके बाद आपको चेकआउट करना है कि आपका अमेजोन पे होता है अपडेट है नहीं, मेरा ऑलरेडी अपडेट हो जाता है, नीचे स्क्रॉल करेंगे, रेटिंग ठीक ठाक है, इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे बैक करने के बाद फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपको फ़ोन की सेटिंग ओपन करना है, बाई डिफॉल्ट फ़ोन की सेटिंग सब फोन में अवेलेबल होती है, क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है ऐप मैनेजमेंट, ऐप मैनेजर या फिर ऐप जो भी सेटिंग होती है, अदरवाइज कोई सेटिंग पर क्लिक करेंगे, इस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ऐप सेटिंग पर क्लिक करना है, ऐप सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अमेजोन पे को ढूंढ लेना, नहीं मिल रहा तो सर्च कर सकते हो, सर्च करने के बाद कोई परेशानी नहीं, मेरे यहाँ पे ऑलरेडी मिलता है, इस पर क्लिक किया है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे परमिशन पे क्लिक करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे जो भी सारी की सारी परमिशन होती हैं सबको एक्सेस करना होगा, यानी कि सबको अलाउ करना होगा, मैंने ऑलरेडी सब परमिशन को अलाउ कर लिया, आप लोग जैसा कि देख सकते हो, ठीक है, आप लोग परमिशन को अलाउ करेंगे, अलाउ करने के बाद बैक आएंगे, स्टोर एंड कैच पे क्लिक करेंगे, इसके बाद आपको क्लियर कैच करेंगे, ठीक है, और आपको यहाँ पे बैक आएंगे, इसके बाद यहाँ पे मोबाइल डाटा, इसको यहाँ पे ऑफ होता है तो उसको ऑन करेंगे, इसके बाद मिनिमाइज़ करेंगे, इसके बाद फिर से आपको क्या करना है, आप लोगों को अमेजोन पे को फिर से ओपन करेंगे, इस तरीके से ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने सो होता है कुछ इस तरीके का इंटरफेस, थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देख मिला है राइट हैंड साइड में मेनू, मेनू पे क्लिक करेंगे, मेनू पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, इसके बाद आप लोग देख सकते मैंने मेनू पर क्लिक किया, यहाँ पे सो होता है अमेजोन पे, इस पर क्लिक करेंगे, अमेजोन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप लोग सी मोर पे क्लिक करेंगे, पहले नंबर पे क्यों एक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सी मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अभी तभी भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं आया, आप लोग जैसा क्या देख सकते हो। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, आपको 12 से 24 घंटे का वेट कर लेना है, अगर आपकी जो भी जिसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो ठीक है, नहीं हो रही है तो आप लोग प्लीज़ 12 से 24 घंटे का वेट करना है, नहीं सॉल्व होती है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, हम आपको कल कमेंट का जल्द से रिप्लाई करते हैं। आप लोग जैसा कि नीचे आओगे और यहाँ पे भी शो होता है, यहाँ पे भी शो हो जाता है लेकिन यहाँ पे भी नहीं शो हो रहा है, तो प्लीज़ परेशान नहीं होना है, आप लोगों को 12 से 24 घंटे का वेट करना है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो फ्रेंड बस यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ जो जानकारी आप जानना चाह रहे थे आपको मिल चुकी होगी, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ, तब तक लिखना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।